आदाब। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिनका जोड़ जो है 27 है, और लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो 182 आता है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? तो ये इससे क्लियर है, यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज हम लेंगे, हमारे मेरे पास 10 रुपये है, हम यहाँ पर अगर मेरे पास मेरे इसमें एक्स रुपीज़ हैं, मिला के हमारे पास 10 रुपये हैं दो बंदों का। एक बंदे का एक्स रुपीज़ है, दूसरे बंदे का कितना होगा? दूसरे बंदे का होगा 10 माइनस एक्स, यानी अगर एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर है 10 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी लेट सपोज वन नंबर हम कहेंगे क्या है एक्स, देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। देयरफॉर इट इम्प्लाइज कि एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। यू गो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेप में 182 को राइट से लेफ्ट लिया, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है, अपलोड में होने में बड़ा मुश्किल पड़ता है, फिर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, पहले हम उस टर्म को लिखेंगे जिसका पावर हाइस्ट है, वो माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके बाद हम प्लस 27x, उसके बाद माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस 1, बी इज इक्वल टू 27, सी इज इक्वल टू माइनस 182। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर आप यहाँ 3 मेथडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में मेथड की बात नहीं होती, जो आपको सही चाहिए, आप सिमिलरिटी का मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आसान जो है वो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 182 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्टेप नहीं लेंगे, माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर होता है 739, आप ही चेक करेंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस 4 इंटू 182 हो गया 728 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ठीक है, वो एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस माइनस 728 में से 729 में से 728 निकालेंगे, वो होगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट का 1 ही होता है, तो माइनस 2। देयर फोर एक्स हैव टू वैल्यूज, या एक पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 1 बटा माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। सो गो एक्स इज इक्वल टू 27 में से 1 निकला, गो टू माइनस 26 डिवाइड बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गए 13, गो एक्स इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 27 से गए 28, माइनस 28 बटा माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू शाबाश, ये हो गया 14। तो यहाँ एक्स के दो वैल्यू आए, एक एक्स 13 है, एक एक्स 14 है, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिजेक्ट द नेगेटिव या कुछ, दोनों ठीक है। क्यों दोनों ठीक है?
दोनों इसलिए ठीक है क्योंकि एक्स 13 रुपये निकल, एक नंबर 13 निकला, एक नंबर 14 निकला। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 × 14 वो होता है 182। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे 13 + 14 होगा 27। तो इसका मतलब है कि अगर एक नंबर 13 है, ये आप केस लिख सकते हैं, केस फर्स्ट में अगर एक नंबर 13 है, अगर एक्स इज इक्वल 13, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 14। अगर पहला नंबर है 14 तो दूसरा है 13, 27 − 14 वो 13 आएगा। आया समझ? तो यहाँ ये आपको मैंने फाइंड द नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ये मैंने किस तरह किया कि ये मैंने बताया कि सपोर्ट एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर है 27 − 1 और उसके बाद प्रोडक्ट करके 182 आता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लें। थैंक यू।